लोकसभा चुनाव में खराब परिणाम के बाद यूपी में बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। 14 जुलाई को अब प्रदेश कर्मचारी समिति की बैठक है, जिसमें जेपी नड्डा समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होने वाले हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा तमाम विधायकों और यूपी के केंद्रीय मंत्रियों को भी इसमें बुलाया गया है। बीजेपी में आने वाले वक्त में जो अहम बदलाव होने हैं, इसका ब्लूप्रिंट भी इसी बैठक में रखा जाएगा। देखिए इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट। यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन के बाद बीजेपी अब दोबारा से उभरने की कोशिश में जुटी है। लखनऊ में 3 दिन तक डेरा जमाकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष कम सीटें आने की वजह तलाश चुके हैं। वहीं सीएम योगी जन प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर विधानसभा स्तर पर सभी से रिपोर्ट ले रहे हैं। अब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 14 जुलाई को लखनऊ में है, जिसे पार्टी के खिसके जनाधार को दोबारा से जोड़ने का खाका रखा जाएगा। यूपी में बीजेपी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे के मूल मंत्र के सहारे आगे बढ़ेगी। यूपी में भारतीय जनता पार्टी धार्मिक और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को धार देगी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव का एजेंडा है, उसमें इस बिंदु को प्रमुखता से भी शामिल किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, ये बैठक दरअसल उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों के लिहाज से काफ़ी अहम है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी की आगामी रणनीति की दिशा और दशा तय होगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद होने वाली बीजेपी की ये बैठक कई मायनों में अहम होगी। यूपी में बीजेपी के भविष्य का रोड मैप तैयार होगा। कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों की होगी समीक्षा। कार्य समिति में 3000 से ज्यादा नेता होंगे शामिल। विधायकों, यूपी कोटे के केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को भी बुलाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष को बुलाया गया। जिला पंचायत अध्यक्षों, पाल प्रमुखों को भी बुलाया गया। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित एक्सटेंडेड एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग है, इसमें प्रदेश भर के निश्चित लोगों को बुलाया गया है और जिसमें हम आगामी जो राजनीतिक एजेंडा है उसके बारे में विचार विमर्श होगा और उसमें हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे केंद्र के नेता हैं, उनका मार्गदर्शन। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पीएम मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने को लेकर प्रदेशवासियों का आभार जताया जाएगा। बैठक में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को आगे बढ़ाने की झलक भी दिखाई देगी। बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह पार्टी की आगामी कार्य योजना और अभियानों की जानकारी देंगे। वहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी संगठन मंत्री का संबोधन सबसे अहम माना जाता है, जिससे बीजेपी यूपी में अब दोबारा से कैसे आगे बढ़ेगी उसका वो रोड मैप रखेंगे। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों की रणनीति भी तय की जाएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भी ब्लूप्रिंट रख सकती है। बीजेपी की भविष्य की योजनाएं बताएगी, बिखरे सामाजिक ताने बाने समेटने की कवायद आगामी रोडमैप कार्य समिति की बैठक में रखा जाएगा। दलित ओबीसी वोटों का खिसकने के कारणों पर चर्चा होगी। ओबीसी दलित वोटों को साथ लाने की रणनीति रखी जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 पर आ गई है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका पूर्वांचल में लगा है। 2024 की हार से हताश नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाकर विधानसभा उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य तय किया गया है। यूपी में पार्टी संगठन और सरकार के बीच के बेहतर तालमेल बैठाकर चलने की स्ट्रेटजी पर काम होगा। वहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के एजेंडे के साथ विपक्ष के दुष्प्रचार की पोल खोलने का भी संकल्प लिया जाएगा। हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, ऐसे अहम लोगों को इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आमंत्रित किया गया है। दलित एजेंडे को भी भारतीय जनता पार्टी धार देने की कोशिश करेगी इस बैठक के माध्यम से। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और आइए बढ़ते आगे, आपको बताते हैं आपातकाल पर केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब
देश संविधान हत्या दिवस भी मनाएगी। इस कांग्रेस हमलावर हो गई है इस पर, और हाल ही में लोकसभा स्पीकर ने सदन में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पढ़ा था जिसका विरोध कांग्रेस ने किया था। अब केंद्र सरकार ने आपातकाल के लिए दिन यानी कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के लिए ऐलान कर दिया है। इसके जरिए बीजेपी की सरकार एक तीर से दो निशाने साधना चाहती है। सरकार ने देश में इमरजेंसी के दिन को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने देश में 25 जून 1975 को लगी इमरजेंसी को लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने वाला दिन बताया है। सरकार का कहना है कि ये दिन उन लोगों के योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल का आम मानवीय दर्द झेला है। संविधान हत्या दिवस पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि आपातकाल कांग्रेस राज का काला दौर था। लोग याद रखें, संविधान को कुचला गया था, कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी। आपातकाल भारतीय इतिहास का काला दौर था। ये दिवस हमें संविधान को कुचलना याद दिलाता है। आपातकाल सिर्फ एक राजनीतिक संकट नहीं था, लोकतंत्र संविधान के साथ साथ ये बहुत बड़ा मानवीय संकट भी था। अनेक लोगों को टॉर्चर किया गया था, अनेक लोग जेल में मृत्यु को शरण हुए थे। जयप्रकाश नारायण जी की स्थिति इतनी खराब हुई कि बाहर आकर के वो कभी ठीक नहीं हो पाए। कैसी तानाशाही को भी आज सही कहने वाले लोग हाथ में संविधान की प्रत लेकर के अपने काले कारनामों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि राजनीति में आपातकाल का काला इतिहास है। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया। 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने तक आपातकाल रहा। अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की गई। सरकार का विरोध करने वालों को जेल भेजा गया। आपातकाल में मानवीय अधिकारों को खत्म किया गया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। विरोध करने पर लोगों को जेल में डाल दिया गया। पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके, देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा और स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने कैसे संविधान को हत्या किया था। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जिसको लेकर अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ये जानकारी दी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि ये आपातकाल के बारे में जानना देश के लिए जरूरी है। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है, और डॉक्टर बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है इस देश को, उस संविधान का रक्षा करना हम सब का दायित्व है। और कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है, संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का नाटक करता है, ये बहुत गलत बात है। वहीं से लेकर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है, देश जानता है कि पिछले 10 साल से किसने अघोषित आपातकाल रखा गया है। लेकिन देश जानता है पिछले 10 साल से देश में किसने अघोषित आपातकाल लगा रखा, देश जानता है इस बात। देश जानता है कि संविधान बदलने की बात किन किन नेताओं ने की है, उसको एक एक चेहरे याद है। देश को याद है अनंत हेगड़े, देश को याद है अरुण गोविल, देश को याद है लल्लू सिंह, देश को याद है दिया कुमारी। तो भाजपा इस तरह की कोई भी कवायद करके इस मुद्दे से पीछा नहीं छुड़ा सकती। कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया गठबंधन संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के खड़ा है।
हम भारतीय जनता पार्टी को संविधान से रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। इससे ध्यान हटाने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन करें। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि राहुल गांधी ने संविधान को हाथ में तब लिया जब अनंत हेगड़े ने, लालू सिंह और अरुण गोविल ने 400 पार होने के बाद संविधान बदलने की बात कही थी। नहीं, ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने संविधान हाथ में कब लिया, ये भी तो बोले। शुरू से राहुल गांधी जी हाथ में संविधान लेके तो नहीं चल रहे थे। संविधान उन्होंने कब थामा, जब इनके मंत्री अनंत हेगड़े ने, कर्नाटक के जो सांसद थे, भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने जब ये बात कही 400 आप सीट दीजिए हम संविधान बदलेंगे। जब इनके सांसद, अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा संविधान बदलने के लिए, जब इनके सांसद मेरठ के अरुण गोविल ने कहा, और एक और किसी ने बोला, तब राहुल गांधी जी को लगा कि अरे ये तो बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है, संविधान बदल देंगे। तब राहुल जी ने हाथ में संविधान की वो पूरी किताब ली, बुक ली, और जनता के बीच में जाकर संविधान की बात कही है। 2024 के चुनाव में संविधान एक बड़ा मुद्दा था। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में संविधान की कॉपी दिखाकर बीजेपी पर इसे खत्म करने के आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसके काउंटर की कई कोशिशें की, लेकिन पार्टी सफल नहीं हो पाई। इसका असर नतीजों पर भी देखने को मिला। अब बीजेपी इस मुद्दे को विपक्ष छीनने की कोशिशों में जुटी हुई है। बीजेपी के लिए आपातकाल का दिन यानी 25 जून एक बड़ा मौका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।